रहे हैं हम हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपनी कविताओं के इंद्रधनुष के संग। तो जब इंद्रधनुष की बात होती है तो रंगों की बात होती ही है। आज जब मैंने अमेजोन खोला तो सबसे ऊपर मेरी यही पुस्तक दिखी, रंग भरा तोहफा। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं। जिन लोगों को हिंदी की कहानियाँ पसंद हैं वो लोग इसे ज़रूर खरीदें और पढ़ें। और लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने में एक दो मिनट लगता है, तो जो है तब तक आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर लेती हूँ। अगर आवाज़ वगैरह सही आ रही है तो कमेंट लिख दें, अच्छा लगेगा। और जो है, रक्षाबंधन का आपका त्यौहार कैसा बीता ये ज़रूर बताएं। तो चूंकि अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। हमेशा की तरह मैं सुनाना चाहूँगी एक फोर लाइनर। हमारे साथ मंजूर आलम जी ज्वाइन कर लिए हैं, हेलो लिख रहे हैं। तो संगीत की सरगम है स्नेह का ये बंधन है, संगीत की सरगम है स्नेह का ये बंधन है, भाई बहन के लिए पावन मोहब्बत का ये दर्पण है, भाई बहन के लिए पावन मोहब्बत का ये दर्पण है। हमारे बीच विनीता शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और इस ववान जी ने ज्वाइन कर लिया है, प्रमोद जी ने ज्वाइन कर लिया है, ये भी हमारे कोई शो नहीं छोड़ते। वनाया जी ने ज्वाइन कर लिया, धर्मेंद्र जी ने ज्वाइन कर लिया है, और बराजपुत जी ने ज्वाइन कर लिया है, कृष्णा, देवेंद्र जी, अनमोल जी, तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो पहली जो कविता सुनाना चाहूँगी वो रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे ही है। न जाने क्यों रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा इमोशनल कर रहा था, और किसी ने कुछ लिखने को कहा तो ये कविता अपने आप ही 2 मिनट में मैंने लिख दी थी। तो पेश है रक्षाबंधन। वो पुराना दो कमरे का छोटा सा घर, वो घर जिसमें घूमते हम होकर निडर, वहां पर माँ का हमें प्यार से संभालना और भाई बहनों को कभी हंसाना कभी पटकारना। वो पुराना दो कमरे का छोटा सा घर, वो घर जिसमें हम घूमते होकर निडर, वहां पर माँ का हमें प्यार से संभालना और भाई बहनों को कभी हंसाना कभी फटकारना। याद आज आ रहा है घर कुछ ज्यादा, आज सब कुछ है पर लगता है आधा आधा। दिल के झरोकों में अब भी वो बातें सिली हैं, रक्षाबंधन के दिन वो मेरे मुख पर खिली हैं। याद आज आ रहा है वो घर कुछ ज्यादा, आज सब कुछ है पर लगता है आधा आधा। दिल के झरोके में अब भी वो बातें सिली है, रक्षाबंधन के दिन वो मेरे मुख पर खिली हैं। कैसे माँ पहले से राखी के धागे खरीद लाती थी, कितने शान से हमें वो प्यार की सौगात दिखाती थी। भाई कभी रूठ जाता, छोटी है ये राखी कुछ ज्यादा, और फिर माँ बड़ी राखी लाने का करती वादा। कैसे माँ पहले से राखी के धागे खरीद लाती थी, कितने शान से हमें वो प्यार की सौगात दिखाती थी। भाई कभी रूठ जाता, छोटी है ये राखी कुछ ज्यादा, और फिर माँ बड़ी राखी लाने का करती वादा। बड़ी सी राखी देख भाई खूब इतराता, मोहल्ले भर को राखी दिखा आता। कभी कभी कानों में हौले से भाई का ये कहना, दीदी बड़े होने पर चांदी की राखी ही देना। बड़ी सी राखी देख भाई बड़ा इतराता, मोहल्ले भर को राखी दिखा आता। कभी कभी कानों में हौले से भाई का कहना, दीदी बड़े होने पे चांदी की राखी ही देना। कुछ खास नहीं था पर प्यार का अंबार था, उन दिनों की राखी के त्योहार में बस प्यार ही प्यार था। घर छोटा था, उपहार छोटा था, पर बड़ी थी मोहब्बत, लगता था घर यूं जैसे हो कोई जन्नत।
कभी कभी मैं माँ से गुस्सा भी हो जाती, बार बार बात ही गुस्से में दोहराती, भाई तो छोटा है रक्षा क्या करेगा। और बहनों के हाथों धागा क्यों नहीं बंधेगा। कभी कभी मैं माँ से गुस्सा भी हो जाती, बार बार बात ही गुस्से में दोहराती, भाई तो छोटा है रक्षा क्या करेगा, और बहनों के हाथों में धागा क्यों नहीं बंधेगा। हम बहनों ने भी फिर धागा बांधना शुरू कर दिया, छोटे भाई को क्यों राखी क्यों बांधू, इस बात पर सारा घर हंस दिया। माँ जाने कहाँ से दिल को पसंद हो ऐसे उपहार लाती थी, पर ये बात भाई को बिल्कुल नहीं भाती थी। सिर्फ बहनों को उपहार क्यों है मिल जाता, इस बात पर वो था बहुत गुस्साता। सिर्फ बहनों को उपहार क्यों है मिल जाता, इस बात पर था वो बहुत गुस्साता। फिर मिलने शुरू हो गए उसे भी बढ़िया उपहार, और खुशी खुशी मनाया जाने लगा ये त्योहार। फिर मिलने शुरू हो गए उसे भी बढ़िया उपहार, और खुशी खुशी मनाया जाने लगा ये त्योहार। कितने खूबसूरत थे वो दिन, यादों को रही हूं गिन गिन, राखी का वो त्योहार और मुस्कुराते हुए हम भाई बहन तीन। वो दिन वापस तो नहीं आ सकते, पर दिल में यादों का खजाना है, जब जब साथ मिल जाते हैं लगता है वापस आ गया वो जमाना है। कितने खूबसूरत थे वो दिन, यादों को रही हूँ गिन गिन, राखी का वो त्योहार और मुस्कुराते हुए हम भाई बहन तीन। वो दिन वापस तो नहीं आ सकते, पर दिलों में यादों का खजाना है, जब जब साथ मिल जाते हैं लगता है वापस आ गया वो जमाना है। तो ये थी मेरी कविता रक्षाबंधन, और मुझे लगता है कि आप सभी के दिलों को इस कविता ने छुआ होगा, क्योंकि सभी इस दौर से गुजरते हैं। एक घर होता है, भाई बहन साथ में होते हैं, माँ पिताजी से हम लोग जिद करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि मिल नहीं पाते। और इस पेंडेमिक के काल में तो कभी कभी देशों की दूरी जो लगती थी कि 8 ही घंटा तो है, 5 ही घंटा तो है, वो भी सालों की हो गई है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। अनीता, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ज्वाइन किया है और लिख रही हैं, भाई को राखी बहनों का उपहार, बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, यादों के झरोके से कवितामयी बयानी, वाह बहुत शुक्रिया। नवाब जी थम्स अप दे रहे हैं, और निशा जी जो कि खुद बहुत अच्छी कवियत्री हैं, लिख रही हैं, शुभ संध्या आदरणीय, आपको बहुत शुभ संध्या और आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। राजू जी हैं, अनीता जी लिख रही हैं, ब्यूटीफुल यादें, लव इट। एस कुमार लिख रहे हैं, कुछ पोएटिक लाइंस लिखी हैं, और निवेदिता जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं और बहुत अच्छी कवियत्री हैं, लिख रही है, हेलो नीलम जी, इमोशनल कर दिया, मैं खुद इमोशनल हूँ डियर। विनीता जी लिख रही हैं, कच्चे धागों में पक्का प्यार, बिल्कुल सही आपने बयां किया विनीता जी, मेरे पूरी कविता को यू समझिए कि समरी दे दी आपने। और गायत्री लिख रही, क्या बात, वाह वाह, बिल्कुल सत्य उकेर दिया, बहुत शुक्रिया गायत्री। राजू जी हैं, अमर जी हैं, अर्चना जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब चूंकि काफ़ी लोग जुड़े हैं, सारे कमेंट्स अभी तो नहीं ले पाऊंगी, पर मैं जैसे हर बार पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। तो फिर एक फोर लाइनर पेश है आपके सामने, डट जाओ, मुकाबला तो तुम्हारा खुद से ही है, डट जाओ, मुकाबला तो तुम्हारा खुद से ही है, हार जाना खूब आसान है, जीतना खुद की जिद से ही है, हार जाना खूब आसान है, जीतना खुद की जिद से ही है। तो जो है, आप सब जानते ही हैं कि जिद के बिना कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती, एक जिद होनी चाहिए, और वो जिद आप में नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे। और हमारे बीच आशा मैम ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं, आई लाइक योर पोस्ट, और अनस जी हैं, धरती जी हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और ये जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं हमारे
रामायण, महाभारत या फिर और भी इसके, ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और खासकर इसकी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, और उन पे मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। यशोधरा पे तो न जाने कितनी कविताएं लिखी है, परंतु हर बार आपको नई कविता ही सुनाती हूँ। पिछले 1.5 साल से ये शो चल रहा है और मैंने एक भी कविता रिपीट नहीं की है। तो अगली कविता मैं यशोधरा पे ही सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है दर्द और साहस। जी हाँ, दर्द और साहस। जब तुमने प्रसव की पीड़ा से मुक्त होकर दो ठंडी सांसें ली थी, अपने पुत्र को ममत्व से सराबोर हो प्यार से देखा ही था, तब अचानक आई खबर से कि राजकुमार सिद्धार्थ तुम्हें और अपने वंशज को त्यागते हुए चल पड़ा है किसी खास बोध की तमन्ना में। क्या गुजरी थी तुम पर है यशोधरा? जब तुमने प्रसव की पीड़ा से मुक्त होकर दो ठंडी सांसें ली ही थी, अपने पुत्र को ममत्व से सराबोर हो प्यार से देखा ही था, तब अचानक आई खबर से कि राजकुमार सिद्धार्थ तुम्हें और तुम्हारे वंशज को त्यागते हुए चल पड़ा है किसी खास बोध की तमन्ना में। क्या गुजरी थी तुम पर है यशोधरा? तुम राजकुमार से अनुनय विनय करने के लिए जरूर लिपट पड़ी होगी उसके पांव से, अपने प्यार की दुहाई दी होगी, अपने पुत्र के सर पर छत्र छाया की कामना की होगी, और फिर भी उसे तुम्हें ठुकराते देख बिलख बिलख कर रोई होगी। तुम राजकुमार से अनुनय विनय करने के लिए जरूर लिपट पड़ी होगी उसके पांव से, अपने प्यार की दुहाई दी होगी, अपने पुत्र के सर पर छत्र छाया की कामना की होगी, और फिर भी तुम उसे ठुकराते देख बिलख बिलख कर रोई होगी। वक्त भी कितना अजीब खिलाड़ी है ना? वक्त भी कितना अजीब खिलाड़ी है ना? क्या क्या नहीं सिखा देता। धीरे धीरे तुमने भी सीख लिया होगा, समाज में चल रही कुरीतियों को देखकर जहन में रोष भर जाता है और जलने लगती है एक प्रचंड ज्वाला जो बुझाई नहीं बुझती। सुनो, इतिहास गौतम बुद्ध को तो पूछता ही है, इतिहास गौतम बुद्ध को तो पूछता ही है, पर आज भी जब भी धैर्य साहस और मजबूती की बात होती है ना, सबसे आगे नाम तुम्हारा ही आता है। आज भी जब भी धैर्य साहस और मजबूती की बात होती है ना, तुम्हारा ही नाम सबसे आगे आता है। तो ये थी कविता दर्द और साहस। और ऋत्विका जो कि इस पेज की यंगेस्ट एडमिन है, लिख रही है, योर वॉइस टोन्स गिव स्टिंगल्स एंड सोल टू द पोएट्री, थैंक यू सो मच डियर। मनीष जी हाय लिख रहे हैं, राम जी ज्वाइन किए हुए हैं, निशा जी लिख रही हैं, जुनून या जिद व्यक्ति को सफलता दिलाने में सहायक बनता है। जसपाल सिंह जी हैं, ऋत्विका जी हैं, गजेंद्र जी हैं और गायत्री लिख रही हैं, बहुत सुंदर शीर्षक। और ऋत्विका ढेर सारा प्यार दे रही हैं, अंकिता सुपर बोल रही हैं, तो आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अगला 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। यकुम का मतलब होता है पहला, तो यकुम कदम जब रखा था राहों पर, डर था कहीं लड़खड़ा कर गिर न जाऊं। यकुम कदम जब रखा था राहों पर, डर था कहीं लड़खड़ा कर गिर न जाऊं, पर फिर यकीन ने दिल में मका बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बढ़ूं और पहुंच ना पाऊं। पर फिर यकीन ने दिल में मकान बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बढ़ूं और पहुंच ना पाऊं। तो दोस्तों, अक्सर पहला कदम लेने की बस हमें जरूरत होती है, और पहला कदम जब हम ले लेते हैं तो कभी लड़खड़ाते हैं, कभी गिरते हैं, कभी चोट खाते हैं, पर फिर धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो है, शोभा बुआ जी ने भी ज्वाइन कर लिया है,
बहुत अच्छा लगता है बुआ जी जब आप आती हैं, बहुत खूब लिख रही हैं। और पारुल तोमर जी ने भी ज्वाइन कर लिया, आप भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शमशेर जी हाय लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है ज्वाला। जी हाँ, ज्वाला। कभी कभी विश्व में चल रहे अमानुष क्लेश को देखकर, देश में हो रहे घोर अपराध को देखकर, समाज में चल रही कुरीतियों को देखकर, जहन में रोष भर जाता है और जलने लगती है एक प्रचंड ज्वाला जो बुझाई नहीं बुझती। कभी कभी विश्व में चल रहे अमानुष क्लेश को देखकर, देश में हो रहे घोर अपराध को देखकर, समाज में चल रही कुरीतियों को देखकर, जहन में रोष भर जाता है और जलने लगती है एक प्रचंड ज्वाला जो बुझाई नहीं बुझती। ये ज्वाला ऐसे धधकती है कि साथ ले जाती है मन का अमन और चैन। ये ज्वाला ऐसे धधकती है कि साथ ले जाती है मन का अमन और चैन। इसे बुझाने के सभी अथक प्रयत्नों से हार कर जब बेहद मायूस हो जाती हूं, तब स्याह शामों में अपने द्रवित हृदय की बेबसी को पलट देती हूं कागज पर। इसे बुझाने के सभी अथक प्रयत्नों से हार कर जब बेहद मायूस हो जाती हूं, तब स्याह शामों में अपने द्रवित हृदय की बेबसी को पलट देती हूँ कागज पर। तो ये थी मेरी कविता ज्वाला। छोटी सी कविता है, परंतु उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ज्वाला है। कवि लोग कब लिखते हैं, कवि कविता कब लिखता है? जब या तो बहुत खुश होता है, या बहुत दुखी होता है, बहुत द्रवित होता है, तभी कविता लिखता है ना। तो आजकल भी बहुत कुछ हो रहा है विश्व में, तो ये कविता अचानक मुझे याद आ गई, क्योंकि इससे मन तो द्रवित कहीं ना कहीं हो ही जाता है। पारुल लिख रही, विश्वास बड़ी बात है, बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया पारुल। और बबलू जी हेलो लिख रहे हैं, शोभा बुआ लिख रही हैं, वाह अति सुंदर फोर लाइनर। तो और सुनील जी लिख रहे हैं, जी पहला कदम लाजमी है, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, इच्छा शक्ति को नमन, बहुत शुक्रिया। सरिता जो कि इस पेज के एडमिन हैं, उनको भी कविता पसंद आ रही है। आशा मैम लिख रही हैं, सही बात है। तो जो है अनीता भटनागर लिख रही हैं, नीलम जी आपकी प्रस्तुति प्रशंसनीय होती है, बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत शुक्रिया। सरिता जी ताली बजा रही हैं, और निर्मल जसवाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया कनाडा से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा। आप भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। और हक जी ने ज्वाइन किया है, और गायत्री लिख रही हैं, अद्भुत प्रस्तुतिकरण, साहित्यिक नायिका। बहुत शुक्रिया। परंतु साहित्य के क्षेत्र में कई लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं भी उनमें से बस एक हूँ। कहते हैं ना, आसमान में कई सितारे हैं, तो कई कवि हैं, एक सितारा मैं भी हूँ। मेरी भी अपनी रोशनी है, आप सबकी भी अपनी रोशनी है। पारुल जी ढेर सारा प्यार दे रही हैं, बाना जी हेलो लिख रहे हैं, निर्मल जी वेलकम डियर लिख रही हैं, शोभा बुआ लिख रही हैं, ज्वाला की तरह तुम भी ज्वलित हो रही हो, मुंह पर चमक है। शुक्रिया। और बढ़ते हैं अब आगे, एक फोर लाइनर फिर से पेश करूंगी आपके सामने। उस तरफ क्यों रखें कदम, उस तरफ क्यों रखें कदम, जिस तरफ नकारात्मक विचार हो रहे वहां से दूर ही हम, जिस तरफ नकारात्मक विचार हो रहे वहां से दूर ही हम। कहते हैं ना कि जो निगेटिव लोग होते हैं, जो हर किसी की बुराई खोजते रहते हैं और बुराई करते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। कम से कम मैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहती हूँ। तो इसी भाव को लेते हुए पेश है मेरी अगली कविता। महेश जी, गजल जी, दिग्विजय जी और कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हुए हैं, विजय सक्सेना जी, राकेश जी। तो अगली कविता का शीर्षक है जाल। तुम कैद हो अब भी गुजरे हुए जमाने की उस पतली सुरंग में, ऊपर से लटके हुए जाल के बीच। तुम
कैद हो अब भी गुजरे हुए जमाने की उस पतली सुरंग में ऊपर से लटके हुए जाल के बीच। तुम भी जानते हो कि जाल बड़ा कच्चा है और तुम उससे निकल कर रख सकते हो अपने कदम सूरज के उजियारे में और अपना सकते हो सारी दुनिया, पर शायद तुमको रास आने लगी है अपनी बेबसी और घड़ियाली आंसू निकालने वालों का झूठी हमदर्दी का सा। तुम भी जानते हो कि जाल बड़ा कच्चा है और तुम उससे निकल कर रख सकते हो अपने कदम सूरज के उजियारे में और अपना सकते हो सारी दुनिया, पर शायद तुमको रास आने लगी है अपनी बेबसी और घड़ियाली आंसू निकालने वालों का झूठी हमदर्दी का साथ। सुनो, अगर तुम इसी तरह उलझे रहे तो अपने भी साथ देना बंद कर देंगे और तुम रह जाओगे अकेले। सुनो, अगर तुम इसी तरह उलझे रहे तो अपने भी साथ देना और तुम रह जाओगे अकेले। तो निगेटिव विचारों से खुद भी दूर रहें और जो लोग निगेटिव विचार रखते हैं उनका भी जो है साथ ना दें, ऐसा मेरा अपना मानना है। बाकी जिंदगी तो सबकी अपनी है और सबको अपने डिसीजन लेने होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जो है एक फोर लाइनर प्रस्तुत करना चाहूँगी कि इत्तेहाम तो सब देते हैं, औरत है वो भी सब्र से सहती है, अपनी रूह की रोशनी से ही वो आगे बढ़ती रहती है, अपने रूह की रोशनी से ही वो आगे बढ़ती रहती है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। गोपाराम जी तालियां बजा रहे हैं, विनीता जी लिख रही हैं दर्द की दीवार पर सेहत पर राहत के रोशनदान हैं आपकी कविताएं। बहुत शुक्रिया विनीता जी, आप आती हैं तभी बहुत अच्छा लगता है। आशा मैम बहुत खूब लिख रही हैं, विशु यादव जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, पारुल जी प्रभावी पंक्तियाँ लिख रही हैं, सीमा जी बहुत खूब लिख रही हैं, रिजवान सौहब अशोक जी ओमकार जी आप सब जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पेश है एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है पहचान। ये मैंने तब लिखी थी जब मैं एक इनर जर्नी शुरू कर रही थी। लोग कहते हैं ना कि मैंने इंग्लैंड की जर्नी शुरू की, मैंने ऑस्ट्रेलिया की जर्नी शुरू की, तो मैंने जब इनर जर्नी शुरू की थी तब ये कविता लिखी थी। तो ये छोटी सी कविता पहचान। बड़ी ख्वाहिश है मौला कि मैं खुद को पहचान सकूं, बड़ी ख्वाहिश है ए मौला कि मैं खुद को पहचान सकूं, नदी की लहरों में खुद को भिगोया और चल दी उनके साथ अपनी ही खोज में, जहां मिली मैं खारे समंदर से, जहां मेरी कहीं मौजूदगी ही नहीं थी, उसकी हदें बहुत विशाल थीं और मेरा अस्तित्व बौना। नदी की लहरों में खुद को भिगोया और चल दी उनके साथ अपनी ही खोज में, जहां मिली मैं खारे समंदर से, जहाँ मेरी कहीं मौजूदगी ही नहीं थी, उसकी हदें बहुत विशाल थीं और मेरा अस्तित्व बौना। मैंने हवाओं से कहा कि वो मुझे भी उड़ा ले चलें अपने साथ, ताकि भूल जाऊं मैं अपनी अहमियत। मैं तिनके से उड़ने लगी, मुझे हवाओं ने धनक के साथ साथ पहुंचा दिया उफक के करीब, पर वहां भी मेरा अस्तित्व नहीं था। मैंने हवाओं से कहा कि वो मुझे भी उड़ा ले चले अपने साथ, ताकि भूल जाऊं मैं अपनी अहमियत। मैं तिनके से उड़ने लगी, मुझे हवाओं ने धनक के साथ साथ पहुंचा दिया उफक के करीब, पर वहां भी मेरा अस्तित्व नहीं था। क्या करूं बता दे ए मौला कि मैं पहचान सकूं खुद को, क्या करूं बता दे ए मौला कि मैं पहचान सकूं खुद को। तो ये थी मेरी कविता पहचान। दोस्तों कहते हैं ना, हमारा अस्तित्व बहुत छोटा सा होता है, एक तिनके की तरह होता है, और तिनका क्या कहीं भी उड़ जाता है, कहीं का भी हो जाता है। हम नहा के अपने आप को ये हैं वो हैं सोचने लगते हैं, परंतु हमारा वाकई कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन के लिए आए हैं, नेचर परपेचुअल है, दुनिया परपेचुअल है, पर हमारा
हमारी जो जिंदगी है बहुत छोटी है, तो इसमें बस प्रीत करते रहिए, आपस में मोहब्बत करते रहिए, द्वेष की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। अजय कुमार जी बहुत खूब लिख रहे हैं, जसवीर जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, शकीर जी हैं, विकास जी ग्रेट लिख रहे हैं, रेणु जो कि बहुत ही अच्छी कवयित्री है लिख रही हैं बहुत खूब, शोभा बुआ जी लिख रही हैं वहाँ अपनी खोज अद्भुत, मुश्ताक जी हैं, प्रमोद जी लिख रहे हैं हमारा अस्तित्व हंसी से, अंकित सक्सेना जी हेलो लिख रहे हैं, अनीता जी वाह वाह लिख रही हैं बहुत शुक्रिया, और सीमा जी लिख रही हैं पहचान अ ब्यूटिफुल, ये कुछ चला गया, अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेयल ऑफ इनर जर्नी थ्रू कैप्टिवेटिंग इमेजरी ऑफ सी रिवर विंड एंड स्ट्रॉ, लव दैट, थैंक यू सो मच डियर, अंकित लिख रहे हैं क्या बात है, गायत्री लिख रही हैं निःशब्द हूँ बहुत सुंदर चित्रण, बीका जी वाह लिख रहे हैं, मिश्रा जी हेलो लिख रहे हैं, आशा मैम सच्ची बात है लिख रही हैं, डाडोसी जी हैं, अनीता लिख रही हैं अस्तित्व नहीं है वाह, बहुत शुक्रिया, सुधीर जी को कविता पसंद आई। तो एक फोर लाइनर पेश है, सांसों में बेचैनी है कोई दबी बात कहनी है, सांसों में बेचैनी है कोई दबी बात कहनी है, आज उपद्रवी सी हर शाख व्याकुल सी हर टहनी है, आज उपद्रवी सी हर शाख व्याकुल सी हर टहनी है। तो दोस्तों जो अगली कविता मैं सुनाने जा रही हूँ वो अचानक मुझे याद आ गई, अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसको याद करते हुए मैं मेरे विचार अचानक उड़ के पहुँच गए एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जो कई सालों पहले हुई थी, पर थॉट्स तो वही रहते हैं ना। तो इसका टाइटल है मैनचेस्टर, आपको याद होगा मैनचेस्टर में बहुत कुछ हुआ था कई सालों पहले। तो मैनचेस्टर में कल फिर आतिशबाजी हुई, सिमटी हुई जिंदगानी घुटने के बल खूब रोई, गिड़गिड़ाती हुई इंसानियत जोर जोर से चीखी और चिल्लाई, खून के लाल धब्बों ने शांति की जंग में मानवता को फिर पछाड़ दिया, और उन काले लम्हों ने मोहब्बत के चेहरे पर कालिख पोत दी। मैनचेस्टर में कल फिर आतिशबाजी हुई, सिमटी हुई जिंदगानी घुटने के बल खूब रोई, गिड़गिड़ाती हुई इंसानियत जोर जोर से चीखी और चिल्लाई, खून के लाल धब्बों ने शांति की जंग में मानवता को फिर पछाड़ दिया, और उन काले लम्हों ने मोहब्बत के चेहरे पर कालिख पोत दी। सुनो तुम सब अपने कान उंगली से दबाकर बंद कर दो, आंखों पर मोटी पट्टियां बांध दो, और दिल को अंटार्कटिका में ले जाकर बर्फ की तरह जम जाने दो। सुनो तुम सब अपने कान उंगली में दबाकर बंद कर दो, आंखों पर मोटी पट्टियां बांध दो, और दिल को अंटार्कटिका में ले जाकर बर्फ की तरह जम जाने दो। आखिर कहां देखी सुनी या बर्दाश्त की जाएगी तुमसे ये बर्बरता, आखिर कहां देखी सुनी या बर्दाश्त की जाएगी तुमसे ये बर्बरता, और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी के सांसों के वास्ते जीना भी तो है, और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी के सांसों के वास्ते जीना भी तो है। तो ये थी मेरी कविता मैनचेस्टर। कभी मन ऐसा होता है कि अपने ही नहीं देश देश भर में दुनिया भर में चल रही कुछ भी चीज़ है उसे द्रवित कर देती है, तो ऐसा ही द्रवित मेरा मन तब भी था अब भी है जब इस तरह के समस्याएं विश्व में हैं। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। नासिर जी लिख रहे हैं वाह वाह, किशन जी तालियां बजा रहे हैं, और पंकज जी अति सुंदर लिख रहे हैं, सुमित जी थम्स अप दे रहे हैं, आशा मैम लिख रही हैं बहुत सुंदर, प्रमोद जी हृदय स्पर्शी लिख रहे हैं,
चंदन जी वाओ जी लिख रहे हैं, गोरखनाथ जी लाइट लिख रहे हैं, हसमुख जी, कमलदास जी ज्वाइन किए हुए हैं, विनीता जी लिख रही हैं आयुष्मान हूँ, बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हाजी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और निर्मल जी वेरी इमोशनल लिख रही हैं जी, इमोशनली थी। टेक जी सुपर लिख रहे हैं, पांचाल जी हेलो लिख रहे हैं, और कृष्णा जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, शोभा बुआ लिख रही हैं तुम बहुत दयालु हो, दया तो हम सबके मन में होती है बुआ जी, और मिश्रा जी थम्स अप लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, एक फोर लाइनर सुनाना चाहूंगी कि टूटे रिश्ते को मैं निभा न सकूंगा, अब तुम्हारे पास आ न सकूंगा। टूटे रिश्ते को मैं निभा न सकूंगा, अब तुम्हारे पास आ न सकूंगा। जिन नगमों को सुन दिल लहराता था, अब वो मस्ताने नगमे गा न सकूंगा। जिन नगमों को सुन दिल लहराता था, अब वो मस्ताने नगमे गा न सकूंगा। तो पेश है आज की आखिरी कविता, ये भी छोटी सी कविता है। अक्सर हम लोग रिश्तों पे ध्यान नहीं देते, और वो एक बार टूट जाए, फिसल जाए, तो फिर बंधना नामुमकिन है। तो सभी से इस कविता के ज़रिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ते हैं आपके, भाई बहन, माँ पिता, चाचा मामा, चाची मामी, नाना नानी, सभी को अहमियत दीजिए, सभी को अपने पास पुचकार कर रखिए, क्योंकि ये कब बिखर जाए पता नहीं चलेगा। तो रिश्ते, रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है, बिल्कुल उन शाख पर लहराती हुई हरी पत्तियों की तरह जो कुछ पल की होती हैं। रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है, बिल्कुल उन शाख पर लहराती हुई हरी पत्तियों की तरह जो कुछ पल की होती हैं। रिश्ते कब हरे से पीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और पीले पत्तों की ही तरह झड़ कर गिर जाते हैं, बिना आवाज के पता ही नहीं चलता। रिश्ते जाने कब हरे से पीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और उन पीले पत्तों की तरह ही झड़ कर गिर जाते हैं, बिना किसी आवाज के पता ही नहीं चलता। आखिरी चार लाइनों पे गौर कीजिएगा कि सकती टहनियां फिर लाख चाहें, पीले पत्ते उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। सिसकती टहनियां फिर लाख चाहें, पीले पत्ते उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता रिश्ते। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। सुरेश जी राम राम लिख रहे हैं, रविंद्र जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, राम नरेश जी हेलो लिख रहे हैं, और अमित जी, रोहित जी जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अंजलि दी ने भी ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू अंजलि दी फॉर ज्वाइनिंग। पांचाल जी बहुत खूब लिख रहे हैं, तोमर जी बहुत खूब लिख रहे हैं, राजेश कपूर जी लिख रहे हैं ग्रेट कॉन्फिडेंस लेवल क्यों ना हो, और रोहित जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, विजयंती जी हाय लिख रही हैं, रफ़ी खान जी हैं, और अंजलि जी कह रही हैं कितनी सुंदर बात कही आपने रिश्ते, बहुत शुक्रिया अंजलि दी। अख्तर जी थैंक यू मैडम लिख रहे हैं, विनीता जी लिख रही हैं रिश्ते जीवंत रहें, बहुत सही बात कही आपने। और इस कविता से जो है मुझे, मैं चूंकि नेचर प्रेमी हूँ, तो कुदरत प्रेमी हूँ, प्रकृति प्रेमी हूँ, जो भी कहिए, तो लगता है कहीं कहीं हम जो नेचर को निग्लेक्ट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ असर हम पे भी होता है, पता नहीं ये कोरोना भी उसी का असर है कि नहीं। तो इसी बात पर चार लाइनें प्रस्तुत करूँगी जाते जाते कि एहतमाम कुदरत ने लाख किया, पर आदमी ने तोड़ दिए सारे उसूल। एहतमाम कुदरत ने लाख किया, पर आदमी ने तोड़ दिए सारे उसूल। अब रात दिन पछता रहा है, बहुत भारी पड़ी उसे ये भूल। अब रात दिन पछता रहा है, बहुत भारी पड़ी उसे ये भूल। तो नेचर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मानवता को कभी मत भूलिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ, आपसे रुख्सत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।